सो गाइस आज फाइनली आ चुका है वो कमाल का दिन जब मैं करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने। प्लस प्लस आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आकर कमेंट करते रहते हैं कि गिव अवे कब आएगा चैनल पर। और हालांकि इंडियन सेटअप वॉर्स चल रहा है जहाँ पर जो जो सेटअप्स फीचर हो रहे हैं उनको प्राइजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उनको सेंड किए जा रहे हैं, बट जब बात आती है गिव अवे की तो अभी कुछ टाइम से चैनल पर कोई गिव अवे नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आ रखी हैं XPG इंडिया की तरफ से जिनको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अनबॉक्स बहुत ही अच्छे से तरीके से जैसा कि मैं करता हूँ हमेशा। प्लस इनमें से कुछ चीज़ों का हम लोग करने वाले हैं गिव अवे मेरे चैनल पर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं दोनों में से किसी भी चीज़ों में तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही बाय कीजिए अपने लिए परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी PC। विजिट कीजिए www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्री बिल्ट मशीन्स में से, या फिर अगर आप चाहते हैं अपने लिए कस्टम PC बिल्ड कराना तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस बिना किसी भी देरी के और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं ना कर लेते हैं आज के अनबॉक्सिंग वीडियो को चालू। सबसे पहले बुला लेता हूं, मैं पुकार लेता हूं अपने मशहूर अस्त्र को। और हाँ, बाय द वे, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो बहुत गलत बात है, बहुत पाप लगता है इस चीज़ से। नीचे लाल रंग का बटन दिया हो सब्सक्राइब का, उसको जल्दी से हिट कीजिए, साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी ऐसे कमाल की वीडियो या गिव अवे फ्यूचर में मिस ना कर बैठे। आप स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों से जो कि आ रखी हैं। सबसे पहले एक तो केस आ रखा है बहुत बड़ा जो नीचे रखा है, जो छोटे आइटम्स आए ना उनको मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो ये हैं छोटे छोटे आइटम्स, इनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे आइटम से, तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस गेमिंग माउस से। तो बता दूं कि ये वाला जो गेमिंग माउस है XPG का प्राइमर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गिव अवे, कमाल का RGB गेमिंग माउस है। इसको आप ऐसे खोल भी सकते हैं, देख रहे हैं कैसा अच्छा सा स्लीक सा माउस है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। और हाँ, जिसको गिफ्ट आएगा वो खुला हुआ आएगा तो समझ जाना खुला हुआ तो मतलब मैंने अनबॉक्स किया है, बुरा मानने वाली बात नहीं है यार। देखो, सामान किसी के पास भी जाए अनबॉक्स अपने हाथों से होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऑलराइट, तो यहाँ कुछ ये मैनुअल्स दिए गए हैं। मैनुअल्स किसी काम के होते नहीं हैं जैसे कि आपको पता है। कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं जो कि मेरे काम के होते हैं क्योंकि मैं इनको कलेक्ट करता हूँ। तो जिसको भी ये माउस मिल रहा है, मेरे भाई तुम्हारे स्टिकर्स अंदर हो चुके हैं, सो सॉरी फॉर दैट, पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। इसको रख लिया, ये हो गया अंदर। हम माउस को ओपन कर लेते हैं। ओके भाई साहब, ये माउस है, देख लो थोड़ा सा पीछे से। यहाँ पर आपको ये रेड कलर का जो है इसका दिया गया है और यहाँ पर आगे की तरफ कुछ इस तरह का है, ब्रेडेड केबल है, गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर है और इन हैंड फील है ना जो माउस का बहुत अच्छा है। मतलब दिस इज़ नॉट अ क्लॉ ग्रिप माउस, मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड। जो लोग पाम ग्रिप का यूज़ करते हैं ना उनके लिए अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उससे पहले ये गिव अवे विनर्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, तो वीडियो में शूट करके रख लूँगा, आपको ये माउस जो है मिल जाएगा। अब गाइस आ जाते हैं अपने दूसरे आइटम की तरफ जो कि है ये XPG की तरफ से आने वाला उनका बैटल ग्राउंड XL गेमिंग माउस पैड। ये RGB माउस मैट है, मतलब लोग इसको पैड कहते हैं बट एक्चुअली में इतना बड़ा पैड नहीं होता। जो पैड्स होते हैं गेमिंग माउस पैड वो छोटे साइज़ के होते हैं, दिस इज़ रियली बिग पैड, तो मैं इसको मैट कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। दिस इज़ अ गेमिंग माउस मैट और आई थिंक ये RGB है, अगर नहीं है तो मेरे को बहुत दुख होगा। सीरियसली मैं इतने टाइम से सोचकर बैठा था कि मेरे पास एक RGB गेमिंग माउस मैट रखा हुआ है तो अब मुझे कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। बट आज मेरा जो दिल है वो टूट गया, तो टूटे दिल के साथ इसको खोल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ओ भाई साहब, दिस लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। और फिर से कुछ स्टिकर्स एंड थैंक्स अगेन, फिर से स्टिकर्स जो हैं ये दोबारा अंदर हो रहे हैं। स्टिकर किसी को नहीं मिलेगा, सामान भले ही तुम लोगों को मिल जाए, स्टिकर सिर्फ अपने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ इस तरह का फुल साइज्ड माउस मैट, क्वालिटी बहुत प्रीमियम फील होती है और द बेस्ट थिंग इज़ कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है गेम टू द एक्सट्रीम और यहाँ आपको XPG की ब्रांडिंग मिल रही है, लुक्स रियली गुड। और क्योंकि ये RGB नहीं है
तो इस वजह से ये भी पार्ट बन गया गिव अवे का अभी इंस्टेंटली, क्योंकि इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि एक RGB माउस मैट है और मुझे ज़रूरत है अपने सेटअप में RGB माउस मैट की उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये मेरा है, बट क्योंकि RGB नहीं है तो इसीलिए ये भी तुम्हारा है, तुम ही लो। तो ठीक है, नाउ वी हैव टू आइटम्स जो कि गिव अवे में है। पहला हो गया आपका गेमिंग माउस जो कि नीचे रखा हुआ है, XPG का प्राइमर, और ये दूसरा हो गया आपका XPG का बैटल ग्राउंड्स गेमिंग माउस मैट। तो इसको भी रख लेते हैं वापस इसमें। अब मैं लेना पसंद करूंगा यहाँ पर अनबॉक्सिंग में इसको। दिस इज द XPG समनर। ये जो कीबोर्ड है ये आएगा 2020 में। दिस वॉज इंडियाज बेस्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। अब 2020 में था, 2019 में था मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग गेमिंग कीबोर्ड है टू बी रियली ऑनेस्ट। प्लस पहले सिर्फ इसमें एक कॉन था, वो कॉन ये था कि XPG उस टाइम पर अपना RGB कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर होता है जिससे RGB कंट्रोल होती है वो नहीं बनाया करता था, जो कि मेरे लिए ड्रॉबैक था। बट XPG ने सुना उस बात को और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो था वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब अगर आप ये कीबोर्ड लेते हैं, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द लाइटिंग इफेक्ट्स और सब कुछ यूजिंग XPG's ओन सॉफ्टवेयर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये गिव अवे में नहीं है, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गिव अवे। ऑलराइट, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी इस बॉक्स में। वैसे आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा कीज़ मिल रहे हैं, एक की कैप होल्डर मिल रहा है इसका। वेयर, ओके, वेयर इज़ द रिस्ट रेस्ट, व्हाट द है, ओके, अच्छा ये रहा, सॉरी, आई थॉट कि मुझे रिस्ट रेस्ट नहीं मिला, और इसका जो रिस्ट रेस्ट है ना वो बड़ा अमेजिंग है। क्यों, मैं तुम्हें बता देता हूँ निकाल कर, देख रहे हो, बड़ा ही अच्छा सा गद्देदार सा, यहाँ बीच में XPG का लोगो दिया हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल सा, अगर आप इस पर अपनी रिस्ट टिकाएंगे ना एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस अब आ जाते हैं कीबोर्ड की तरफ, कीबोर्ड देखिए आप, डू यू सी दिस, एकदम बढ़िया सी जो है मेटालिक ग्रे फिनिश कीबोर्ड की कैप्स जो हैं दे फील रियली प्रीमियम। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया टॉगल स्विचेस भी मिल जाते हैं, और ओवरऑल अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे ना, दिस इज़ अ रियली प्रीमियम कीबोर्ड। ऐसे ही नहीं, इसको जो बेस्ट कीबोर्ड का अवार्ड था वो दे दिया गया था। अगर इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको रखते हैं और चलते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। ओके गाइस, सो नाउ वी आर हैविंग अ PSU। XPG PSU भी बनाता है, विच इज़ रियली स्ट्रेंज, और इनफैक्ट XPG AIO कूलर्स भी बनाता है। मैंने सुना है कि इनके पावर सप्लाईज आर रियली गुड, हालांकि अभी मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैं अपना इस पर अभी कमेंट नहीं देना चाहूँगा। बट अभी बॉक्स पैकेजिंग तो आप देख रहे होंगे कि सारे प्रोडक्ट्स की जो बॉक्स पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी है, और डिज़ाइनर अच्छा है XPG वालों का, ऐसा डिज़ाइनर अपने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाए। ओके, सो लेट्स ओपन द बॉक्स। दिस इज द कोर रिएक्टर 650 गोल्ड, अगेन स्टिकर्स, बड़ा कलेक्शन होता जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैनुअल, यहाँ पर केबल्स हैं जिनको बहुत अच्छे से इस बैग में पैक किया गया है। वी गेट द पावर केबल, फिर हमारे पास में ये बहुत सारी केबल्स हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द PSU। तो कुछ इस तरह से पैक होकर पूरा ऐसे जो है इसमें फोम में ये आ जाता है हमारा पावर सप्लाई। ओ शिट, ओके, तो ये रहा पावर सप्लाई, आप देख सकते हो, हर तरफ से दिखा देता हूँ, हर एंगल से आपको। कोर रिएक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पीछे जो है इसके डिटेल्स, और ये जो है इसका 120mm का साइलेंट फैन। ओके, तो फर्स्ट इंप्रेशन में वेट के हिसाब से लुक्स डिसेंट, बाकी जब टेस्टिंग करेंगे तो पता लगेगा कितनी स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द गिव अवे। गिव अवे में अभी तक क्या क्या है मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। अभी तक गिव अवे में जो है अपना XPG प्राइमर गेमिंग माउस है, एंड जो हमारा यहाँ पर माउस मैट है वो है अभी तक जो गिव अवे का पार्ट है। अभी एक आइटम और है जिससे मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जो कि गिव अवे का पार्ट है। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पर आ जाते हैं बहुत ही कमाल के ये गेमिंग हेडफोन्स। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गिव अवे, और ये बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं, मैं इनको जो है यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे पास एक सेट रखा हुआ है ऑलरेडी, और ये दूसरा सेट है जो XPG ने भेजा है, एंड निकाल के दिखाता हूँ आपको। और मेरे पास कमाल की बात है कि मेरे पास ये टोटल 3 सेट्स हैं। ये एक है जो वीडियो के लिए मेरे पास रखा हुआ है, और एक ये जो है गिव अवे के लिए आया है, इसको निकाल लेते हैं। एक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है ये सेट।
तो फर्स्ट थिंग, इसकी जो पैकेजिंग है ना यार, इट इज़ वेरी प्रीमियम। ये आगे तो ये डिज़ाइन है जो कि ये बना हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, फील्स प्रीमियम। इसको अगर आप निकालेंगे तो मतलब देख रहे हो, ये एक्सपीजी है ना, यहाँ पर भी जैसे ये इसकी जो पैडिंग है ये भी फोम की दे रखी है साइड्स की, मतलब प्रीमियम चीज़ देने का पूरा ख्याल रखा गया है। तुमको मॉडल बता दूँ, प्रीकॉग इसका नाम है हेडसेट का। ये आपको जो है रबड़ का एक बैग है इसमें मिलेगा, इसको खोलते हैं। अब इसको कैरी करना कितना इजी है देखिए, इसमें डाल के आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। अपने घर पे ना खेलना हो आपको, अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाके खेलना हो तो आप उस केस में भी इसको साथ कैरी कर सकते हैं। दिस इज द डिटैचेबल माइक्रोफोन। इसकी टेस्टिंग वीडियो में करेंगे, अभी तो मैं कर नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। फिर से आई विश फिर से मिल जाए, और यस फिर से मिलते हैं। कुछ स्टिकर्स, ये अच्छी चीज़ है कि एक्सपीजी ने हर चीज़ में स्टिकर डाल रखे हैं। तो स्टिकर रख दिया साइड पे, ये मिलता है इसका वारंटी गाइड और ये इसका मैनुअल काइंड ऑफ समथिंग। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर ये बहुत सारी केबल्स हैं। अब ये केबल जो है ना, ये हर एक अलग पर्पस के लिए हर एक अलग केबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर जो है, देखते हैं इसको निकाल के, आ जा भाई एने नखरे। ओके सो दिस इज USB टाइप सी टू USB जो नॉर्मल होता है उसका, ये ऐसा कनेक्टर है। इसके बाद में ये है USB टाइप सी टू टाइप सी, और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप टाइप सी में भी जो है अपने पोर्ट में प्लग इन कर सकते हैं इस हेडसेट को। इसके बाद में यहाँ पर तीसरी केबल आ जाती है, विच इज़ द नॉर्मल जो हम केबल यूज़ करते हैं ना, 3.5 mm वाला, वो वाला जैक है। यहाँ पर भी एक ड्राइवर है बीच में। इसके बाद में वी हैव दिस कनेक्टर, जिससे कि आप स्प्लिट कर सकते हैं। ये वाली जो केबल थी, इससे यू कैन कनेक्टेड टू योर फोन एज वेल, आप फोन से भी लगा सकते हैं। फिर उसी को आप इसमें एक्सटेंड करके जो है अपने PC में भी इस हेडसेट को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द हेडफोन्स नाउ, ठीक है, ये भाई साहब प्रीमियम तो है, नो डाउट। देख सकते हैं आप, आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है, साइड पर ऐसा कुछ लुक आएगा। एंड मैंने तो ऑलरेडी यूज़ कर ही रखा है, बट फिर से बता दूं कि दीज हेडफोन्स आर रियली कंफर्टेबल, साउंड क्वालिटी अच्छी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि दिस इज़ अ प्रीमियम हेडफोन। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गिव अवे एज वेल, इसको मैं गिव अवे करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी रखे हुए हैं दो, तो मैं और नहीं रखना चाहता यार, इतना लालची क्यों बना जाए, सबका वाला होना चाहिए ना। तो इसको भी रखते हैं साइड पर। 3 आइटम्स हो चुकी है टोटल गिव अवे के लिए। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, जो कि मेरे को XPG ने भेजी और जो कि बहुत ही विशाल काय डब्बे में आई है, और ऐसे डब्बों को खोलने में मुझे आलस बहुत आता है, पर क्या करूं, करना तो पड़ेगा यार। दिस इज ह्यूज, दैट्स व्हाट शी सेड। लेट्स ओपन दिस अप। अनबॉक्सिंग करना वैसे सेटिस्फाइंग है, पहले मैंने जैसा कि बताया था मैं करा नहीं करता था, बट जब से आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, देयर इज नो वे बैक। अनबॉक्सिंग इज लव, ट्रू लव। ओह माय गॉड, ट्रू लव। ओके तो इसको सीधा कर लेते हैं, अभी उल्टा है गैस। तो ये है विशाल का XPG का बैटल क्रूज़र केस, और मैं इस केस को बहुत पहले से जो था रिव्यू करना चाहता था, बट ये मेरे पास अब जाके आया है, अब जाके हत्थे चढ़ा है। तो आई एम श्योर कि इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब ज़्यादा बकचोदी नहीं करते, खोल लेते हैं इसको। अभी ये ब्लैक में है या वाइट में है ये मुझे आइडिया नहीं है, मैं देख लेता हूँ। आई गेस इट इज़ वाइट, क्योंकि वाइट के ऊपर जो है वो मार्क बना हुआ है, मेरे हिसाब से वाइट ही है। मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे पास सच में ना ब्लैक केस आते ही नहीं है, मैं सही में दुखी हूँ। ये देखो वाइट, इससे पहले मेरे पास 680X था कॉर्सेर का, वो भी वाइट। पता नहीं ब्रांड्स को इतना क्या मैं सफ़ेद या गोरा चिट्टा लगता हूँ कि वो मेरे को वाइट सामान भेजते हैं। भाई मुझे ब्लैक भी भेज दो, मेरे को भी ब्लैक कलर में एक PC बिल्ड करना है। कब तक मैं वाइट थीम PC बनाता रहूँगा अपने लिए। ओके तो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली में दिस इज़ रियली कूल। खोलते हैं इसको। A few moments later. आजा यार. 2000 years later.
सीट। ओके तो तेरी तो बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है सच में। इंप्रेसिव। ऑलराइट, अब इसको खोल लेते हैं। फाइनली बड़ी मेहनत के बाद ये खुला है। ओह माय गॉड भाई, नो डाउट्स, नो सेकंड थॉट्स, केस बहुत सेक्सी है सच में। फ्रंट पे यहाँ पर 3 ARGB फैंस दिए गए हैं, पीछे यहाँ पर एक और ARGB फैन दिया गया है, और कमाल की बात यह है यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास है, बट यहाँ पर बीच में इतना गैप है, ये देखो इतना गैप है कि मेरा हैंड पूरा पास कर रहा है, तो इनटेक में दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। फ्रंट पे टेम्पर्ड ग्लास, टॉप पे टेम्पर्ड, और दोनों साइड पे टेम्पर्ड, तो हर जगह से टेम्पर ही टेम्पर इस पर। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कोई PC बिल्ड बनाऊं या इस केस के ऊपर जो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं ना, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आकर बोलना ना भूले मेरे को करने के लिए, क्योंकि तभी मैं करता हूं, क्योंकि तुम लोगों से ही मुझे ड्राइव मिलती है, एनर्जी मिलती है। मेक श्योर मुझे ये चीज़ बताना ना भूले। सो गाइस, ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आए थे XPG इंडिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में, जो कि आपके पते की बात है, जो कि आपको बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं तीनों आइटम्स ऊपर रख लेता हूं जो कि गिव अवे के लिए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि गिव अवे के लिए हैं। XPG का प्राइमर RGB गेमिंग माउस, XPG के प्रीकॉक गेमिंग हेडसेट, और XPG का बैटल ग्राउंड XL गेमिंग माउस पैड। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं गिव अवे के लिए एलिजिबल हैं। पार्ट लेना कैसे है वो समझ लो। देखो, पहली चीज़, नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो है लिंक दिया गया है, क्योंकि सीधे तरीके तो तुम फॉलो करते नहीं हो, हर वीडियो में भाई बोलता रहता है फॉलो करो, कोई करता ही नहीं है, तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 है कि आपको नीचे जाकर जो है फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर मेरे हैंडल को, और साथ ही में टेक ड्रीम स्टोर के भी हैंडल को। दोनों के ही जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वरना आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेक ड्रीम्स इंडिया और टेक ड्रीम स्टोर, और दोनों हैंडल्स को जाकर फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड रूल इज कि मेरे फेसबुक पेज का, टेक ड्रीम्स के फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर भी आपको पेज को लाइक करना है। एंड थर्ड स्टेप जो है गाइस, वो सबसे ज्यादा सिंपल है, आपको इन तीनों में से क्या चाहिए और आप अभी करंटली क्या यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी ये माउस जो है आप ये जीतना चाहते हैं, तो आप अभी कौन सा माउस यूज कर रहे हैं, उसका जो है आपको कमेंट सेक्शन में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में नाम लिखना है कि आप XPG प्राइमर जीतना चाहते हैं, आप XPG प्रीकॉक जीतना चाहते हैं, विद द हैशटैग गिव अवे टेक ड्रीम्स। तो गिव अवे टेक ड्रीम्स जो हैशटैग है वो आपको यूज करना है, और पहले दोनों स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, पहले दोनों स्टेप्स वेरीफाई होंगे, मतलब आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है और आपने मुझे फेसबुक पर लाइक किया है, तभी जो है आप एलिजिबल हैं इन गिवअवेज के लिए। अब गाइस, गिवअवे के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 15th of April को, यानी अगले महीने की 15 तारीख को 2021। इसीलिए मैं ईयर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक गिवअवे किया था 2019 में। भाई आज भी लोग ना उस वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं गिवअवे टेक ड्रीम्स, हैशटैग गिवअवे टेक ड्रीम्स। तो भाई 15 अप्रैल 2021 को जो है इसके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले आप लोग पार्ट ले सकते हैं। मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट लें, और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और लोगों तक भी ये अच्छी खुशखबरी जो है वो पहुंचे। एंड साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की वीडियो, साथ ही में दबाएं बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।